जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। दोस्तों आजकल इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद मूवी देखने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जिसे हम फ्री में देख पाते हैं और कुछ नहीं। आज हम आपको उन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें दिसंबर 2020 में रिलीज किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी है ये वेब सीरीज। आपने प्रसाद लिया? केवल प्रसाद से काम नहीं चलेगा। नंबर वन पर है पति पत्नी और पंगे। इस वेब सीरीज को आईमैक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया है, जो कॉमेडी और ड्रामा पर आधारित है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपना जेंडर बदलकर लड़का बन जाती है, इसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या पंगे होते हैं, यही सारा कुछ हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे रिलीज किया गया है 11 दिसंबर 2020 को, वो भी आईमैक्स प्लेयर पर। 6 महीने पहले मैं एक लड़का थी, सेक्स चेंज ऑपरेशन करके लड़की बनी हूँ। पहले मैं शिव थी, अब मैं शिवानी हूँ। दिल में शिवानी है तो पूरी तरह से फीमेल ना, जब तक तुम्हें पता नहीं चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे घर की जगह ईंटों से बस बन गई दीवारें। नंबर टू पर है परेशपुर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में हमारे कुछ राजाओं के पुराने प्रथा को दिखाने की कोशिश करेगी और इस प्रथा में रानियों के साथ क्या क्या बदसलूकी की जाती थी ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज को 15 दिसंबर 2020 में G5 पर रिलीज किया गया है। स्त्री और पुरुष के बीच का भेदभाव कब खत्म होगा महाराज? हाँ, हम औरतों को पैरों की जूती समझा जाता है। नंबर तीन पर है अभय सीजन टू। दोस्तों इस वेब सीरीज को G5 पर रिलीज किया गया है और इस वेब सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभय सीजन 1 बहुत ज्यादा हिट रही थी। अभय सीजन 2 का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे थे। अभय सीजन 2 में आप फिर से कुछ ऐसे साइकोपैथिक किलर को देख पाएंगे जो एक्चुअल में सामाजिक रूप से बीमार हैं या फिर साइकोलॉजिकल बीमार हैं, और उन्हीं साइको किलर को अभय किस तरह से पकड़ते हैं यही दिखाई जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है और इसमें जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाए जाएंगे वो और भी ज्यादा यूनिक है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे क्राइम घट सकते हैं हमारे समाज में, जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 7.9 की। हर इंसान जुर्म करने की काबिलियत रखता है और उस इंसान को पहचानने की काबिलियत रखता हूँ मैं। जुर्म की दुनिया बहुत ही काली है और उसी कालेपन में मेरी जिंदगी सांसें ले रही है। मुजरिम की सोच रखना मुझे पसंद नहीं, लेकिन जुर्म की तह तक पहुंचने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।